तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विंडोज़ के ऑफिशियल विनगेट पैकेज मैनेजर के बारे में कि इसको किस तरह से विंडोज़ पर इंस्टॉल किया जा सकता है और इसकी मदद से विंडोज़ के पैकेजेस यानी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को आसानी से एक कमांड से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। यदि आप लिनक्स यूज़र हैं तो आप पैकेज मैनेजर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आपने मेरे कई वीडियोज़ में देखा भी होगा कि हम किस तरह से लिनक्स पर कमांड लाइन के द्वारा एक सिंगल कमांड से पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पैकेज मैनेजर मिलते हैं, जैसे कि APT, पैकमैन, RPM, यम आदि, जिनकी मदद से आप पैकेजेस को अपने सिस्टम पर मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आपको विंडोज़ के लिए भी इस तरह का कमांड लाइन पैकेज मैनेजर मिल जाता है जिसका नाम है विनगेट। वैसे इससे पहले भी विंडोज़ के लिए कुछ थर्ड पार्टी पैकेज मैनेजर उपलब्ध हैं, जैसे कि चॉकोलेटी, पर अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑफिशियल पैकेज मैनेजर रिलीज किया है जिसकी मदद से विंडोज़ OS पर सॉफ्टवेयर्स को कमांड लाइन इंटरफेस से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम विनगेट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका यूज़ हम अपने विंडोज़ सिस्टम पर कैसे कर सकते हैं और इसकी मदद से एप्लीकेशंस को बड़ी आसानी से कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विनगेट को अपने विंडोज़ OS पर इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर ऐप इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना होगा। ऐप इंस्टॉलर को आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको ये गिटहब पर भी मिल जाएगा। इसके लिए आप ये लिंक अपने ब्राउज़र पर ओपन कर लीजिए। ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल गिटहब अकाउंट है। आप यहाँ से ऐप इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। ये करीब 6 MB की फाइल है। इसको मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए, ये मेरे डेस्कटॉप पर मौजूद है। अभी आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए और अपने सिस्टम को अपडेट कर लीजिए। इसको यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। इसको इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पर विनगेट का यूज़ अपने सिस्टम पर कर पाएंगे। इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पावर सेल या विंडोज़ टर्मिनल को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ टर्मिनल का। विंडोज़ टर्मिनल क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं कि हम यहाँ पर विंडोज़ टर्मिनल को कैसे इंस्टॉल करके यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पावर सेल ओपन हो चुका है। अभी हम यहाँ पर विनगेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल से कमांड लगाइए विनगेट। तो यहाँ पर विनगेट की बेसिक हेल्प ओपन हो जाएगी। ये देखिए, आप यहाँ पर विनगेट के इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका वर्जन दिखा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन लगाइए -V या --- वर्जन। ये देखिए, ये अभी इसका प्रीव्यू वर्जन है। तो विनगेट का हम यहाँ पर यूज़ कैसे करें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से पैकेजेस मिलते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड लगा सकते हैं विनगेट शो। तो यहाँ पर जितने भी पैकेज उपलब्ध हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। उन पैकेजेस का नाम, उनकी ID, उनका वर्जन, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस मौजूद हैं। आप यहाँ से विम, VLC, टर्मिनल, पावर टॉय, पावर शेल, टर्मिनल, रूवी, पाइथन, MySQL, Node.js, Notepad++, फायरफॉक्स जैसे तमाम पैकेजेस को आप एक कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इन सभी की लिस्ट आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस मौजूद हैं। आप यहाँ पर पैकेजेस को सर्च भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई पैकेज सर्च करना है कि यहाँ पर वो पैकेज मैनेजर के अंदर है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड लगा सकते हैं विनगेट सर्च और सॉफ्टवेयर का नाम। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया VLC को। ये देखिए, यहाँ पर ये पैकेज आ चुका है। आप इसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कौन सा वर्जन उपलब्ध है। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी पैकेज को सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सर्च किया पट्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सर्च रिजल्ट आ चुका है। अभी आप यहाँ पर इनमें से किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल से कमांड लगाइए विनगेट इंस्टॉल और पैकेज का नाम। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ Notepad++ को, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया Notepad++। उसके बाद Notepad++ आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि Notepad++ मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं है। अभी यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। इसका साइज़ करीब 4 MB का है। ये देखिए, ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और अभी आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि Notepad++ मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी पैकेज को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया पट्टी, पर अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पट्टी सॉफ्टवेयर के मल्टीपल रिजल्ट फाउंड हुए हैं। तो यहाँ पर यदि मल्टीपल पैकेज उपलब्ध हैं तो उनमें से किसी एक पैकेज को कैसे इंस्टॉल किया जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर की ID का यूज़ करना होगा, जिससे कि यहाँ पर आपकी ज़रूरत के हिसाब से पैकेज इंस्टॉल हो सके। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कमांड लगाया विनगेट इंस्टॉल पट्टी, उसके बाद ऑप्शन लगाइए --- ID और सॉफ्टवेयर की ID। आपको सॉफ्टवेयर की ID यहीं पर मिल जाएगी।
ये देखिए ये सॉफ्टवेयर की आईडी है, यहाँ पर मैंने इसको टाइप कर दिया। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से यदि एक ही नाम से मल्टीपल पैकेज उपलब्ध हैं तो आप उनमें से एक पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे आप यहाँ पर किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर टर्मिनल, फायरफॉक्स, 7-Zip, VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट, पाइथन, जावा या किसी अन्य पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर इसके सोर्स को मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कमांड लगाइए विन गेट सोर्स। ये देखिए आपको सोर्स को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर ये कमांड मिल जाते हैं। आप यहाँ पर नया एप्लीकेशन सोर्स ऐड कर सकते हैं, उनकी लिस्ट देख सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको रिमूव या रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि लिनक्स के अंदर सोर्स फाइल होती है, ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर सोर्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कमांड लगाया विन गेट सोर्स लिस्ट, तो यहाँ पर सोर्स की लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए ये इसकी सोर्स लिस्ट है। आप यहाँ पर कोई अपनी कस्टम सोर्स लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाएँ। इसके अलावा आप यहाँ पर फाइल्स के हैश को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है, आप इसके हैश को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कमांड लगाइए विन गेट हैश और फाइल का नाम, तो यहाँ पर इसके हैश जनरेट हो जाएंगे। ये देखिए तो आप यहाँ से फाइल के हैशेस को वेरीफाई भी कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जेन्युइन फाइल की पहचान हो सके। तो इस तरह से आप यहाँ पर विन गेट का यूज़ अपने सिस्टम पर कर सकते हैं। यदि आप कमांड लाइन का यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो बस दोस्तों वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।